दुर्ग जिले के कुम्हारी थाने में पदस्थ एक एसआई ने रिश्वतखोरी का ऐसा नजारा पेश किया है जिससे पूरी मानवता शर्मा जाए। फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले पंजाब के एक युवक का शव उसके परिजनों को सौंपने के एवज में एसआई ने 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी। परिजनों के पास इतने रुपए नहीं थे तो बात पहले 50,000 में हुई, फिर उसके बाद 45,000 रुपए में सौदा पक्का हुआ। बुधवार की शाम इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने एसआई प्रकाश शुक्ला को सस्पेंड कर उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है। तो तुसी किन्ने करने? मैं कर जरूर कट पर दो देख लो, थोड़ा बहुत गरीब आदमी तो फिर रहने दो, मैं नहीं लूंगा, जाऊंगा, मेरे को भी सबको देना। नहीं नहीं चलो देना है सर, मेरा मतलब है कि उसके बाद फिर टीआई साहब या सीएसपी साहब कोई नहीं लेंगे, पूरा इच्छा नहीं है, कोई नहीं लेंगे। चलो दो भाई जी 50 दो, किन्ने हैं सबको दो ना, किन्ने हैं? 10,000 जल्दी दे दीजिए, हम एरिया घूमते रहते हैं, कोई नहीं, हम लोग बाकी सर हम लोग भी नौकरी किए हुए, मैं भी नौकरी किया हुआ आदमी हूँ, ऐसा नहीं यही तो देख क्या था। हम लोग एक दो तीन चार पाँच छः सात अठ नौ दस ग्यारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस 10,000 पैंतालीस हो गया, 45 चल जाएगा भाई जी, ठीक लो ले लो, बहुत आपकी ठीक वो है, पिता अर्जुन सिंह 24 वर्षीय जो फिरोजपुर का रहने वाला है, उसका 4 जुलाई को की मृत्यु हुई, फांसी लगा के उसने अपनी जान ले ली। उसके पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को पोस्टनामा करने के एवज में सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला द्वारा 50,000 रुपये मांगने की बात सामने आई। प्रार्थी द्वारा मुझे फ़ोन करके अपनी जानकारी दी गई थी, उसके बाद उसे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो उसके द्वारा जो है छुपकर एक वीडियो बनाया गया जिसमें कि सब इंस्पेक्टर द्वारा पैसे की मांग और लेने ऐसा प्रार्थी द्वारा गिनने की जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। उसके साथ एक कांस्टेबल भी था जिसने प्रथम दृष्टया इस बात की पुष्टि की है कि थाना प्रभारी द्वारा कुछ पैसे का लेन देन किया गया है। प्रथम दृष्टया इस बात सही पाने पर उनको सस्पेंड करके पुलिस लाइन में भेजा गया है, उनकी विभागीय जाँच शुरू कर दी गई है। जो प्रार्थी है उसको थाने बुलाया गया है क्योंकि प्रार्थी द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई, शिकायत लेकर उसमें जो है कठोर से कठोर सजा दी जाए।